तो फिलहाल दोस्तों थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे, आज हम निकले हैं कुतुब मीनार के लिए जो मेहरौली के अंदर है। तो आज आपको कुतुब मीनार के बारे में बताने वाले हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री और उसकी पूरी डिटेल के बारे में। तो फिलहाल बस अभी निकल चुके हैं हम घर से, तो आपको रास्ते का नज़ारा भी दिखाएंगे और साथ में कुतुब मीनार का भी। तो जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचोगे तो यहाँ पर आपको एक सर्कुलर रोड मिलेगा और लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको पेड पार्किंग मिलेगी। तो अगर आप अपने व्हीकल से आते हो तो यहाँ पर पेड पार्किंग में आप लेफ्ट साइड में अपने व्हीकल को लगा सकते हो और यहीं से ही आप सीधे कुतुब मीनार के अंदर एंट्री कर सकते हो। अगर आप बाय मेट्रो आना चाहते हो तो बाय मेट्रो आ सकते हो, येलो लाइन पर आपको आना पड़ेगा और कुतुब मीनार के स्टेशन पर आपको उतरना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम टिकट की तरफ। टिकट के बारे में बता दें, टिकट का प्राइस यहाँ पर आपका अगर आप इंडियन हैं तो आपके लिए 40 रुपये का है अगर आप नगद लेते हैं, और अगर आप डेबिट या एटीएम कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपके लिए 35 रुपये का पड़ेगा, और अगर आप फॉरनर हैं तो ये आपको 600 रुपये का पड़ेगा नगद में, और अगर आप इसको एटीएम या डेबिट कार्ड से कोई फॉरनर करता है तो उनको 550 रुपये का ये आपका पड़ने वाला है। और एक चीज़ यहाँ पर बता दें कि आपके जो 15 साल से छोटे बच्चे हैं उनका टिकट यहाँ पर नहीं लगने वाला है, वो बिल्कुल फ्री है। तो आइए चलते हैं, पहले लेते हैं हम टिकट। तो यहाँ पर हमने टोकन ले लिया है, इस तरह का आपको टोकन मिलेगा, इसके ऊपर जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का लोगो वगैरह बना हुआ है। तो ये टोकन लेने के बाद ही आपकी एंट्री होगी। आइए अब एंट्री करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर एंट्री करते हो तो आपको यहाँ पर कुतुब मीनार के साथ साथ और बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी। तो जगह जगह पर यहाँ पर साइन बोर्ड ये लगे हुए हैं और इन पर सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सी चीज़ है। तो यहाँ पर आपको कुतुब मीनार के साथ साथ में बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, इल्तुतमिश का मकबरा है, अलाई दरवाज़ा है और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा विस्तारित क्षेत्र भी है, अलाउद्दीन का मकबरा और मदरसा भी है, अलाई मीनार है, इमाम जामिन का मकबरा है, और यह सारी चीज़ें आपको मैप के अंदर सारी दर्शाई गई हैं। मेजर स्मिथ की छतरी है और 4 बाग हैं। तो इन्हीं के बारे में यहाँ सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम कुतुब मीनार की तरफ। कुतुब मीनार भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद है, जो विश्व धरोहर में से एक है। महमूद गजनी ने, जो अफगान का रूलर था, गजनी साम्राज्य का जो रूलर था, उसने अपनी जीत पर काफ़ी सारी मीनारें बनवाई। उसी को देखकर 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कुतुब मीनार का काम शुरू करवाया, लेकिन बदकिस्मती से वो इसको पूरा होते हुए नहीं देख पाया। केवल उसके समय में इसके आधार वाला हिस्सा ही, यानी कि नीचे की एक मंजिल ही बनी थी, इसको बाद में इल्तुतमिश ने ही पूरा करवाया। तो कुतुब मीनार जो है ये दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों द्वारा बनी गई सबसे ऊंची मीनार है। इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 72.5 मीटर इसकी ऊँचाई है, और इसके अंदर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सीढ़ियों की संख्या 379 है। इसको दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। ऐसा बताया जाता है कि दिल्ली में जो आसपास लगभग 27 किले थे उनको तोड़ा गया और उनका मटेरियल इसके अंदर यूज़ किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको 1193 में बनवाना स्टार्ट किया था, इसका आधार उन्होंने बनवाया था, लेकिन उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसकी ऊपर की 3 मंजिल बनवाई और 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और इसकी आखिरी मंजिल का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार के सामने यहाँ काफ़ी बड़ा ये मैदान है जो आपके सामने नज़र आएगा। लाल पत्थर से पूरी ये मीनार बनी हुई है और इस पर कुरान की आयत वगैरह लिखी हुई हैं। बेल और फूलों की महीन नक्काशी इस पर की गई है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। सोचो अब से इतने साल पहले, 700-800 साल पहले जो ये बनाई गई है, कितनी मतलब उस टाइम पे तो इतने मतलब जो टेक्नोलॉजी कैसी कुछ थी नहीं जिस टाइम पर ये बनाई गई है, और बहुत ही मजबूताई से बनाई गई है जो अब तक भी ये चली आ रही है। विश्व धरोहर का हिस्सा है ये और बहुत दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं यहाँ पर, और इसकी सेफ्टी की वजह से चारों तरफ लोहे का जाल बना दिया है जिससे कोई इसके पास को ज़्यादा ना जाए। अगर इसके नीचे से इसकी मोटाई की बात करें, इसका जो व्यास है, जो डायमीटर है, वो 14.32 मीटर है, और ऊपर से इसकी जो चोटी का जो व्यास है, जो डायमीटर है, वह 2.75 मीटर।
तो दोस्तों अब आ चुके हैं हम कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर और बहुत ही खूबसूरत ये मस्जिद बनी हुई है। अब तो इसका काफ़ी सारे मतलब अवशेष यहाँ पर खड़े हैं और ये पहली तुर्क मस्जिद थी जो भारत के अंदर बनाई गई थी और 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये बिल्कुल कुतुब मीनार के बिल्कुल बराबर में ही है, कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर है और बहुत ही मतलब अगर इस पे आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी शिल्पकारी की गई है और इसके आंगन में ये आयरन पिलर है, लोह स्तंभ है। लोह स्तंभ के बारे में अगर बात करें हम तो ये 1600 साल पुराना लोहे का स्तंभ है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त सेकंड ने इसको बनवाया था और यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ पर इसको अनंगपाल तोमर लाए थे जिन्होंने दिल्ली में इस दिल्ली को बसाया था। तो अनंगपाल तोमर ही द्वारा लाया गया है और अगर इसकी हम आयरन पिलर की लंबाई की बात करें, ऊंचाई की इसकी बात करें तो 7.2 मीटर इसकी ऊंचाई है और आज तक इस पर जंग नहीं लगा है। चारों तरफ अब इन्होंने इसकी सेफ्टी की वजह से ये रेलिंग वगैरह यहाँ पर लगा दी है जिससे लोग इसको टच ना करें। अगर हम बात करें इसके चारों तरफ एरिए की तो यहाँ पर जो भी चीज़ें बनी हुई हैं उन पर खूबसूरत एकदम शिल्पकारी नक्काशी की गई है, बहुत ही खूबसूरत ढंग से यहाँ पर ये आपको मार्बल और पत्थर से चीज़ें यहाँ पर ये बनाई गई हैं। अब तो यहाँ पर काफ़ी सारे ढांचे हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से चीज़ें हैं नहीं, लेकिन अब भी इनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनकी मरम्मत कराता रहता है। तो ये इतनी खूबसूरत जगह है, काफ़ी काफ़ी दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, आप कभी भी यहाँ पर आओ तो ज़रूर विज़िट करें। तो यहाँ पर देश नहीं विदेश से भी काफ़ी सारे लोग आते हैं, तो आप सामने देख रहे हैं तो लोग आ करके यहाँ पर अपना इन्जॉयमेंट करते हैं और इस खूबसूरत जगह का आनंद उठाते हैं। तो यहाँ पर कुतुब मीनार के सामने थी, अभी हम इसके अंदर थे मॉस्क्यू के अंदर जो मस्जिद थी। अगर मस्जिद से हम बाहर निकलेंगे तो पीछे की साइड में पार्क टाइप सा यहाँ पर बना हुआ है और उसके पीछे ये रोड भी है। अब चलते हैं हम इसकी दूसरी साइड की तरफ, राइट साइड में जाएंगे तो इल्तुतमिश का मकबरा है और सामने जाएंगे खिलजी का मदरसा। तो खिलजी ने इस कॉम्प्लेक्स के अंदर काफ़ी सारे एक्सटेंशन कराए थे, तो सामने है ये आपका मदरसा। तो इल्तुतमिश ने ये मदरसा बनवाया था, इसके अंदर ये दरसगाहें हैं जहाँ पर वो जो भी बच्चे वगैरह पढ़ते थे इस मदरसे के अंदर, तो ये दरसगाहें हैं जहाँ पर ये क्लास रूम टाइप ये बने हुए हैं। अब तो बिल्कुल खैर खंडर से हैं इनमें, अब तो बाकी आप देखोगे तो काफ़ी उस टाइम के बने हुए हैं और सामने ये बगीचा टाइप सा है और अंदर से ये आपके क्लास रूम इस टाइप से हैं। ये कुछ इस्लामिक आर्किटेक्चर के हिसाब से ये बनाए गए हैं, तो आपको काफ़ी मतलब ये रे पत्थर के पूरे बने हुए हैं ये भी। यहाँ से जब आप बाहर निकल के चलोगे तो यहाँ से राइट साइड में जब आप नीचे उतरोगे तो नीचे उतरने के बाद यहाँ पर आपको रास्ता मिलेगा अलाई दरवाजे के पास जाने का। तो सामने अगर आपको दिख रहा है तो ये है आपका अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा चारों तरफ से इसके अंदर गेट है और बहुत ही खूबसूरत बनवाया गया है। ये भी आपका अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी सारे एक्सटेंशन कराए थे, जैसे मदरसा बनवाया था और इस कॉम्प्लेक्स में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में बनवाई थी। तो बहुत खूबसूरत है ये अलाई दरवाज़ा, इसके अंदर नीचे अलग डिज़ाइन है और ऊपर अलग हैं। तो इसको आप देखोगे चार दरवाजे हैं इसके अंदर, बहुत ही खूबसूरत है। इसका नाम अलाई दरवाज़ा है, अलाउद्दीन ने अपने नाम पर इसका नाम रखा था। इसके अलावा अलाउद्दीन ने अलाई मीनार भी बनवाई थी जिसकी केवल एक ही मंजिल बन पाई थी, उसके अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई। तो ये अलाई दरवाजे से जैसे हम बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा इमाम जामिन का मकबरा। वैसे तो इनका नाम मोहम्मद अली था और ये तुर्किस्तान के मूल निवासी थे। सिकंदर लोधी के समय यहाँ पर आए थे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में और उसके बाद इनकी यहीं पर मृत्यु हो गई और इनका मकबरा यहीं पर बनवाया गया। तो ये जो मकबरा बनाया था मुग़ल सम्राट हुमायूं के शासनकाल में इस मकबरे का निर्माण हुआ था, बहुत ही खूबसूरत संगमरमर से बना हुआ ये मकबरा है। ऊपर इसमें गुंबद है और नीचे ये आपका चकोर टाइप है। इसके जाने के लिए अंदर एक दरवाज़ा भी है जिसके अंदर उनकी दरगाह या मज़ार है, उनकी जो कब्रगाह है इसके अंदर। तो ये छोटा सा एक दरवाज़ा है इनके अंदर मज़ार में जाने का, जो इनकी कब्र है इसके पास जाने का। तो ये संगमरमर से इनकी कब्र वगैरह जो ये बनाई गई है। तो यहाँ से बाहर निकलने के बाद आपके सामने आएगी मेजर स्मिथ की छतरी और सूर्य घड़ी। तो सूर्य घड़ी जो है, जो सैंडरसन की सूर्य घड़ी है, ये सूर्य घड़ी जो है इस पार्क के अंदर बनी हुई है बीच में और ये आपकी जो है सूर्य की छाया से ये आपका टाइम बताती है। तो सामने जो भीड़ लग रही है सूर्य घड़ी है और ये सामने आपके छतरी है। तो छतरी तो नॉर्मल सी है, बाकी ये पूरा यहाँ पर एक बगीचा है और ये आपकी है सूर्य घड़ी।
तो सूर्य घड़ी जो है ये टाइम बताती है, जो आपके सामने परछाई नज़र आ रही है इससे ये सारा समय बताती है, इसको देख करके आप समय का हिसाब लगा सकते हो। तो दोस्तों ये जो है कुतुब मीनार, आपका जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप कभी आओगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। चारबाग ये बगीचा है, जो चारबाग बगीचा है मुगलों के समय बाद में आपका बनवाया गया था। साथ में यहाँ पर पब्लिकेशन वगैरह भी है, ये पब्लिकेशन के अंदर जो है आप प्रकाशन पटल जो है यहाँ पर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बुक्स वगैरह हिस्ट्री की आपको इनके बारे में मिल जाएंगी, तो आप आकर के पढ़ सकते हो। यहाँ से है ये आपका बाहर जाने का रास्ता, तो चलते हैं बाहर की तरफ। और पार्किंग में हमारी गाड़ी खड़ी है, तो सबसे पहले चलते हैं हम पार्किंग में और पार्किंग में जा कर के अपनी गाड़ी लेते हैं। फिलहाल अभी आ चुके हैं हम शास्त्री पार्क, और लगभग एक घंटे से ऊपर हो चुका है मैरोली से निकले हुए। काफ़ी जगह मतलब ट्रैफिक मिला, तो काफ़ी थकान से भी हो चुकी है। तो अब घर चलते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना व्लॉग आपको कैसा लगा। और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। टेक केयर, बाय बाय।